स्वागत है दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम बात करेंगे युवाओं की। इस वक्त युवा, भारत के तमाम युवा जो हैं वो सरकार से नाराज चल रहे हैं, और एक तरह से देखें तो जिस तरह से उनसे वादा किया गया था पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में या उससे पहले भी जो वादे किए गए, अब शायद युवाओं को वो समझ में आने लगा है कि उनसे किए गए वादे सारे छलावा साबित हुए हैं, और अब वो सड़कों पर निकल आए हैं, अपनी नौकरियां मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और इस तरह से उन्हें उनका हक कितना मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त तमाम युवा जो हैं वो इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार उनका प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये सारे प्रदर्शन इस वक्त जारी हैं, जहां एक और कोरोना के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ताली और थाली बजवाई थी, उसके बाद से अब लगातार जो है वो इस देश के युवा उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की ताली और थाली की भाषा में उन्हें अब वो जवाब दे रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा विचारक और इस वक्त युवाओं के बीच में लगातार सक्रिय राजरत्न अम्बेडकर हैं, जो कि लगातार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनके लिए कुछ ना कुछ वो एक कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, कई लोगों से उन्होंने संपर्क किया है। इस बीच युवा उन काफी बड़ी संख्या में उनसे जुड़े हुए हैं। वे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इस वक्त देश में वो काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ उनका अनुभव कैसा रहा और इस वक्त उनके मन में युवाओं के भविष्य को लेकर क्या चल रहा है, इस पर आज हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में राजरत्न जी। थैंक यू मिश्रम जी, आपका और जनमत लाइव 7 के चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे युवाओं की निगाहें अब आपकी तरफ हो गई हैं, क्योंकि वो हम ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से जब भी युवाओं को इस प्रकार के रोजगार या अवसरों की जब भी बात होती है, तो जो भी उन्हें नजर आता है कि हाँ यहाँ से कोई उम्मीद नजर आ रही है, तो तमाम युवा उस ओर दौड़ पड़ते हैं। ये जो भटकाव की स्थिति बनी हुई है युवाओं में, और ये जो स्थिति अनिश्चितता की बनी हुई है, ये कब खत्म होगी और किस तरह से युवाओं का भविष्य कुछ ठीक ठाक हो पाएगा या उज्जवल हो पाएगा? देखिए, मैं आज के इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं बाबा साहब के एक विचारों को, बुक में मैंने जो पढ़े थे उन विचारों को सामने रखना चाहूंगा। ये विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भीमा कोरेगांव के बारे में है। बाबा साहब अम्बेडकर वहां लिखते हैं कि भीमा कोरेगांव का जब वो जो युद्ध हुआ, उसके बाद बाबा साहब जो वो सारा ये देखते हैं कि जब अब मैं वो कास्ट को स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जब इन लोगों को मिलिट्री में भर्ती करवाया जा रहा था, जब इन लोगों को पढ़ाई के अवसर मिल रहे थे, क्योंकि मिलिट्री में ब्रिटिशरों को यहाँ के लोग चाहिए थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेना चाह रहे थे, तो उनको पढ़ाई दे रहे थे। और फिर जब पेशवाओं का समय आया तब ये सारी बटालियन बंद करवा दी गई थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि जब हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिला था, जब हम लोगों को शिक्षा की अनुमति मिली थी, तब हम लोगों ने अपनी व्यवस्था क्यों कायम नहीं की, अपनी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। ये जो बाबा साहब के शब्द है वो आज हम लोगों को जोड़ने होंगे। बाबा साहब ने इस देश में हम लोगों को एक संविधान निर्माण करके दिया। 1950 से ये संविधान इस देश में लागू है, 2020 में हम लोग है। जब इस संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं और इस संविधान के अंदर हम लोगों को अपनी प्रगति भी हम लोगों ने की है, 3 पीढ़ियां हो गई है। आज मैं बाबा साहब के बाद की तीसरी जनरेशन हूं, यानी 3 पीढ़ियों ने इस संविधान का उपभोग लिया है और आज हमारे लोग IAS बने हैं, IPS बने हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब हमारे गवई साहब के बेटे हैं, रासू गवई जी के बेटे वहां पर बैठे हुए हैं चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी में। तब मैं ये कहना चाहूंगा, जब इतनी सारी फैसिलिटीज हमको मिली, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तब हमने अपनी खुद की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई है। आज 2 दिन पहले ही अंबेडकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से
एससी एसटी स्टूडेंट को जो मिलने वाली फीस में से जो छूट थी वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। एससी एसटी को अब फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी, ये कल से बंद हो गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सालों तक हम इन्हीं के ऊपर निर्भर रहे, इन सारे लोगों ने मिलकर अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई, हम लोगों ने अपने इतने सालों में खुद की व्यवसायों को क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों हम लोग किसी और के दरवाजे पर नौकरियों के लिए बैठे हुए हैं। आज नौकरियां कहां पर है, हम लोग इतने सालों से दो पीढ़ियों से सिर्फ यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं, परीक्षा पास करते हैं और फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से उस पोस्ट पे हम जाते हैं, ये पोस्ट कहां पर है। रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट हम लोग लेते हैं, ऐसा एक जनरल मत पूरे देश का है, चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं, लेकिन अब ये रिजर्वेशन है कहां पर, ये रिजर्वेशन है पब्लिक सेक्टर्स में, और पब्लिक सेक्टर को इस कोविड में इतना बेचा गया है, बीपीसीएल बंद हो गया, एचपीसीएल बंद हो गया, एयर इंडिया बंद हो गया, और यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़ाई करके उन सीटों पर जाया करते थे। अब पढ़ाई करने के बाद आपका रिजर्वेशन यहां पर है ही नहीं, अब जाओगे कहां पर। रेलवे की पिछले हफ्ते में एडवर्टाइजमेंट है, रेलवे ने एक कॉलम में पोस्ट के नाम लिखे हैं कि ये पोस्ट ये पोस्ट ये पोस्ट, और दूसरे कॉलम में लिखा है कि हमको 100 पोस्ट चाहिए, 50 पोस्ट चाहिए इसके पोस्ट। रिजर्वेशन का जो कॉलम होता है वो पूरी तरह से रेलवे के भर्तियों से हट चुका है। अब वहां पर 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया पर किसी भी लोगों को वहां पर अपॉइंट करते हैं। और एक रिपोर्ट इसी कोरोना में, अब एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो प्रधानमंत्री के योजनाओं से जो गांवों को ठेके दिए जाते हैं, रास्तों के ठेके दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट देते समय गांवों में सवर्ण कौन है, उन्हीं लोगों को ये ठेके दिए जा रहे हैं। अब पढ़ाई करने के बाद भी आप लोगों को रास्ते बनाने के कॉन्ट्रैक्ट हो या लाइट की खंभे लगाने के कॉन्ट्रैक्ट हो, इन कॉन्ट्रैक्ट में आपके लोगों को नहीं लिया जा रहा। तो ये सारी परिस्थिति में इसलिए बता रहा हूं कि इतने सालों में हम रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर वो पोस्ट के लिए तैयारी तो कर रहे थे, अब आने वाली जनरेशन किसके लिए तैयारी करेगी, पोस्ट है ही नहीं रिजर्व। आपके स्कूलों में, आपके कॉलेज में एससी और एसटी के लिए अब कोई फीस की फैसिलिटी नहीं है, कोई रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं है, अब आप कहां जाओगे। और इसलिए एक उद्योग व्यवसाय हो या एजुकेशन सेक्टर हो, इसमें भी हम लोगों को आना होगा। आज भी देश में संविधान का कानून कायम है, आज भी देश बीजेपी ने आरएसएस ने संविधान इस देश से हटाया नहीं है, आज भी हमारा सेफगार्ड हमारे हाथों में है। तो ये सेफगार्ड हाथों में रखकर हम वो प्लेटफॉर्म क्यों तैयार नहीं कर रहे, और इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं। ये लॉकडाउन के वजह से आज हम वो जो जमीने हम लोगों को दी गई थी वो जमीने हम ले नहीं पा रहे, प्रोक्यूर नहीं कर पा रहे, वरना एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रपोजल खुद मेरा यहाँ पर बना हुआ है, वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हमने बात की है, एमसीयू यूनिवर्सिटी श्रीलंका के लोगों से हमने बात की है कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी हमारी देश में बने कि जिसका खुद का अभ्यासक्रम हो और हमारे बच्चे कभी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाले स्कूलों में ना जाए, और यहाँ पर जहां पर हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ाने के साथ साथ वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन हम उनको दे सके, ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम हम देश में खड़ा करना चाहते हैं। और खुद मैंने इसके ऊपर पहल शुरू कर दी है, इस लॉकडाउन की वजह से मुझे थोड़ा घर में बैठने का समय मिला, लेकिन घर में बैठकर भी हम लोग खाली नहीं बैठे। मेरा बुधानी जम्मा का तो रोज वेब सीरीज चलता रहता है, अभी मैं वो शूट खत्म करके आपके यहाँ पर आया हूं। और इसी लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा कि हमारी मूलभूत समस्या क्या है, हम जब घरों में अटके हुए हैं तो हमारी आमदनी बंद हो गई है, तो ये आमदनी कहां से ला सकते हैं। देश में हम लोगों ने देखा कि पिछले ये कुछ महीनों पहले बिहार में जब क्वारंटाइन लोगों को किया जा रहा था, बड़े बड़े सवर्णों लोग जब क्वारंटाइन हो रहे थे, तब वहां पर जो कर्मचारी काम किया करते थे वो शेड्यूल कास्ट के होने के वजह से उनके हाथों से वो खाना नहीं स्वीकार कर रहे थे, पानी नहीं ले रहे थे, मरने के हालत में भी देखो मानसिकता कैसी है कि इंसान मर रहा है लेकिन वो जो निचले जाति का है उसके हाथ से पानी लेने को तैयार नहीं है, इतनी मानसिकता है। तो ऐसे हालात में हम अपना उद्योग व्यवसाय भी अगर करना चाहें,
मैं कई सारे उद्योग व्यवसाय के उद्योजकों के सेमिनार्स में जाता हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जय भीम के नाम से प्रोडक्ट्स हैं हमारे, काफी ब्रांड्स हैं। सोचिए जो लोग हमारे हाथों से पानी नहीं लेते, क्या वो जय भीम नाम के ब्रांड्स लेंगे? जय भीम नाम के डिटर्जेंट्स हो, ऑयल हो, सोप हो, क्या उसको वो यूज करेंगे? इसलिए हमने सोचा कि अगर इस देश से आप लोग हमारे हाथों से कुछ स्वीकार नहीं करना चाहते तो इस देश के बाहर हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। और मैं ये पढ़ रहा था सारे इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, एमबीए फाइनेंस में मैं पीजी हूँ, तो मैं ये सारे बिजनेस मैगजीन्स और ये पढ़ता रहता हूँ। ये लॉकडाउन में भले ही भारत का जीडीपी कम हो गया हो, -23.9 पे जीडीपी चल रहा है आज, लेकिन एक अच्छी बात यहां पर दिखाई दी कि इस हालात में भी एक्सपोर्ट की संख्या बढ़ रही है। एक्सपोर्ट भी किन चीजों का? जो फूड ग्रेन्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये एक्सपोर्ट में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज कितना है? जीरो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक तो बड़े बड़े हमारे पास खेत नहीं है, हम लोग दूसरों के खेतों पर मजूरी करते हैं, लेबरर के तौर पर काम करते हैं। तो अगर हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम कुछ उगा ही नहीं रहे, तो एक्सपोर्ट में हमारा परसेंटेज वहां पर नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक्सिम में जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाए, और फिर उसके ऊपर सोचा ही नहीं, पहल की, और हम लोगों ने अंबेडकर इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज के नाम से वो प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस मेरे पास आ गया है और बैंक अकाउंट्स उसके खुल गए हैं। अब इसके ऊपर हम काम करेंगे और हमारे जो लोग हैं, जो लोग यहां पर अटके हुए हैं और जो सिर्फ नौकरी 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 में ही फंसे हुए हैं, अब आगे की जनरेशन नौकरी ही उनको नहीं है, आप कैसे उनको नौकरियों में लाओगे? और इसलिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्योजकता के ओर इनको यहां पर हम लेकर जा रहे हैं। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी चर्चा हुई, वेबिनार्स मेरे हुए, मैंने एक वेबिनार खुद अबू धाबी से, जो यहाँ पर पुणे में आए हुए हैं, उनसे हमने एक सेमिनार मांगा। उन्होंने कहा कि हाँ, कि यहाँ के बच्चों को हम तैयार करेंगे, उनको बाहर बाहर जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज हम वहां तक लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कास्ट जो मानसिकता है, जाति मानसिकता है, वो अभी गई नहीं है, और इसलिए इससे भारत के बाहर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म क्या है वो हम लोगों को देखना होगा, वहां के लिए हमको तैयार करना होगा। पिछले एक या दो साल पहले मुझे सिंगापुर के लोगों ने कहा कि हमें नर्सेस की बहुत जरूरत होती है, अगर आप ये कोर्स आपके यहां पर करवाओ तो हम 40 नर्सेस दो हम लोग आपके यहां से ले सकते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर पहली से लेकर दसवीं, दसवीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमारे बच्चे कर रहे हैं और फिर नौकरियां ढूंढते हैं। हम अब उल्टा काम कर रहे हैं, पहले नौकरियां किन किन क्षेत्रों में है ये देख रहे हैं और उन क्षेत्रों में हम लोगों को तैयार करवा रहे हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, यूएस में आईटी से सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, यूके में क्या अपॉर्चुनिटीज है, ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज देखकर हम लोग यहाँ के लोगों को तैयार करेंगे और यहाँ के लोगों को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म लेकर जाएंगे, वहां उनको देंगे और उनसे यहाँ की कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की ये जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इनको तैयार करेंगे, ये प्लान लेकर हम लोग चल रहे हैं। और क्योंकि देखिए आंदोलन करना तो है, मूवमेंट, सोशल मूवमेंट तो हम लोग चला ही रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता का घर ही मजबूत नहीं हो, उसके पेट में अन्न ही नहीं हो, तो वो बाबा साहब की मूवमेंट कितने देर चलाएगा? और इसलिए उनकी मूलभूत समस्याओं को भी एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, ये भी उन लीडर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। केवल ब्राह्मणों को गाली देने से व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, बाबा साहब संविधान देकर व्यवस्था को परिवर्तित कर चुके हैं, हम लोगों को उस मार्ग पर चलना जरूरी है। बाबा साहब संविधान के प्रीएम्बल में लिखते हैं कि सिर्फ सोशल और रिलीजियस नहीं, इकोनॉमिकल भी लिबर्टी हम लोगों को होनी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई काम ही नहीं करना चाहता। बाबा साहब की मूवमेंट को आइदर रिलीजियसली लेकर जाएंगे या पॉलिटिकली लेकर जाएंगे, पॉलिटिकल ही सब लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की इकोनॉमिक्स पर हम कब काम करेंगे? देखिए मेश्राम जी, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक ग्रंथ लिखा, प्रॉब्लम ऑफ रुपी,
इस प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर भारत सरकार ने काम किया और आरबीआई की स्थापना की। आज ये आरबीआई नरेंद्र मोदी के लोगों को फंड देने का काम करता है, यानी बाबा साहब के विचारों पर भारत सरकार चलकर उन्होंने अपने आप की व्यवस्था, अपनी खुद की व्यवस्था मजबूत की। लेकिन बाबा साहब के इन विचारों पर हम कब चलेंगे, बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट्स को हम कब उठाएंगे, कब हम लोग उसके ऊपर मार्गक्रमण करेंगे? और यही बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। नॉट ओनली इकोनॉमिकल, रिलीजियस, सोशल, नॉन पॉलिटिकल विंग्स, जितने भी बाबा साहब के थॉट्स पे चल सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। वाकई ये बहुत अच्छा प्रयास है और सोच भी बहुत ही शानदार है। लेकिन कल का ही अगर एक हम भाषण देखे प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कोशिश ये बात कही है और बहुत प्रमुखता से ये बात कही है कि ब्रेन डेन जो है, या कि भारत से जो प्रतिभाओं का पलायन है, वो रोका जाना चाहिए और यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि करने की उन्होंने एक प्लानिंग बताई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको विदेशों में अवसर आप दिलाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इन प्रतिभाओं को देश में रोकने की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसे में युवा जो है वो ऐसा आपको नहीं लगता कि त्रिशंकु की तरह या खजूर की तरह वो कहीं ना कहीं लटक जाएगा? वो नहीं, देखिए अब इनका जो प्रयास चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा प्रयास चल रहा है कि इस देश के लोग बाहर नहीं जा सके। बाहर को कौन जाए? जो सवर्ण है वो बाहर जाए। भारत का ब्राह्मण कभी भी भारत में रहता ही नहीं है, उनकी सारी जनरेशन जो है वो अब्रॉड में है। आरएसएस जितनी भारत में स्ट्रांग नहीं है, उससे कई ज्यादा विदेशों में स्ट्रांग है। मैं आपको उनकी रैलियां बताता हूँ, यूके की रैली बताता हूँ, यूएस की रैली बताता हूँ, जितनी वहां यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है वो वहां स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहाँ के ब्राह्मण वो बाहर भेजते हैं और यहाँ की गंदगी, जातिवाद की गंदगी वो वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है, बाबा साहब कहते हैं कि इफ हिंदूज माइग्रेट टू वर्ल्ड, कास्ट विल बी द वर्ल्ड प्रॉब्लम। और ये हो रहा है, ये कास्ट अब वर्ल्ड प्रॉब्लम बनते जा रही है। ये भारत में हमको इसलिए दबाकर रखना चाहते हैं क्योंकि इनको यहाँ पर रास्ता साफ करने के लिए, कूड़ा करकट उठाने के लिए हमारा लेबर चाहिए। हमारा एक भी अधिकारी, अब मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये स्वच्छता अभियान क्या है आपको इसका रियल अर्थ पता है? मैं आज देश के लोगों को इसका रियल अर्थ बताना चाहता हूं। स्वच्छता अभियान का मतलब है जो रिजर्वेशन के माध्यम से एससी एसटी के लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो पहुंच चुके हैं, क्लास वन ऑफिसर बन चुके हैं, जजेस बन चुके हैं, इनको उन स्थानों से हटाना, उनको वहां से साफ करना, यह है इनका असली स्वच्छता अभियान। वरना स्वच्छता अभियान इस देश में अगर आप देखो तो कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा कि कई रास्तों पर कूड़ा कटकर कोई नहीं डाल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। इनका सही स्वच्छता अभियान है कि एससी एसटी के लोगों को, उनके रिप्रेजेंटेशन को खत्म करें। बीपीसीएल के लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई, मुंबई में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी यहाँ पर है, 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उनकी होगी, उस रिफाइनरी के अंदर मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पिछले साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मुझे दिया, बैलेंस शीट मुझे बताया, 30 लाख करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद बीपीसीएल को बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि बीपीसीएल में 40% स्टाफ जो है वो शेड्यूल कास्ट का है और वो भी क्लास वन पोस्ट पर आ चुका है। अब वो रिटायर होके नए सिरे से वहां पर नए बच्चे आने वाले थे, अब ये बेचकर वो पूरी तरह से इन्होंने बीपीसीएल के दरवाजे ये बंद कर दिए। अब सोचिए उन फैमिलीज का क्या होगा जो एससी के पोस्ट पर बैठकर उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया था, अब उनके लोगों को कोई जॉब नहीं मिलेगी, वो नए सिरे से अब वहां पर जॉब्स नहीं है। ये इस देश में अटकाकर हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर गुलामों की जरूरत है, आप बाहर मत जाओ। यहाँ का टैलेंट इसलिए यहाँ पर नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर कास्टिज्म किया जाता है, यहाँ पर जातिवाद किया जाता है। अगर जात देखकर आप हमसे पानी नहीं लेना चाहते हो तो किस तरह से हमारी जो योग्यता है वो कैसे आप लोगे? मोदी जी कौन से नाते ये बोल रहे हैं कि इस देश के युवाओं को, इस देश की योग्यताओं को इस देश में रखना चाहिए? वो कैशलेस इस देश को बनाना चाहते हैं लेकिन कास्टलेस बनाने के लिए वो कोई प्रयत्न नहीं करते। इस देश को कैशलेस ऊपर नहीं लेकर आएगा, इस देश को जब तक कास्टलेस नहीं बनाते
तब तक ये देश ऊपर नहीं आ सकता। और इसलिए बाबा साहब ने बहुत कोशिशें की कि इस देश से जात नष्ट हो जाए, लेकिन देश की जो मानसिकता है, जो व्यवस्था है, जिस व्यक्ति ने इस देश से जाति को खत्म करना चाहा, उसी व्यक्ति को जाति का नेता बनाकर रख दिया है। देखो कैसी मानसिकता है इस देश के लोगों की, सवर्णों की, इस देश की, सिस्टम की। बाबा साहब को एक जाति तक सीमित करके रख दिया है, जिन्होंने जाति अंत की लड़ाई शुरुआत की। और इसलिए देखिए आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे है। जापान में हमारे कई सारे, जैसे आप नागपुर से बिलोंग करते हो, नागपुर में कई सारे हमारे जापान में बैठे हुए जो लोग हैं वहां पर क्लासेस चला रहे हैं कि जापानीज लैंग्वेज सीखो, और यहाँ पर कई सारे पोस्ट, पूरा जापान जो है ये अबोव 70 हो गया है। उनको नए ब्लड की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। अगर ये युवा अगर हम यहां से वहां बैठ सके, सोचिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन, ये खुद उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, वो किसी के सामने नहीं झुकेगी। और एक बार अगर हमारी इकोनॉमिक्स अगर स्ट्रांग हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था अगर एक स्ट्रांग हो गई, सिर्फ दो पीढ़ियां, दो जनरेशन अगर हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया, तीसरी पीढ़ी इस देश की राजनीति को अपने हाथों में ले सकती है। आज हमारे ही लोग हैं जो 100-200 रुपए पर वोट बेच आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि किसका बटन दबाना है, किसका नहीं दबाना। अगर अपनी राजनीति अगर स्ट्रांग करनी है, तो जब तक अपनी खुद की अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं करोगे, अपनी शैक्षणिक व्यवस्था, अपनी उद्योजकता, अपने हॉस्पिटल्स, ये जब तक आप खुद खड़े नहीं करोगे, तब तक आपकी राजनीति खड़ी नहीं होगी। बिल्कुल, हम आपके राजनीतिक विचारों को भी इस कार्यक्रम में आगे जानेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और बहुत जल्दी लौटेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त हम राजरत्न अम्बेडकर जी से बातचीत कर रहे हैं, विभिन्न पहलुओं पर हम उनके विचार जान रहे हैं। इस वक्त बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्दी लौटेंगे और उनके बाकी विचारों को भी आप तक पहुँचाएंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनमत लाइव सेवा।